Guys, this is me Hamad Kang. Welcome back to another video. So guys, today we are going to train our bicep and tricep. So guys, पहले आप वार्म अप कर लीजिए. वार्म अप कैसे करेंगे आप? पहले लाइट वेट डंबल्स लेके कुछ वार्म अप सेट परफॉर्म कर लीजिए. और जो हमारा पहला सेट होने वाला है वो है डंबल बाइसेप कर. इसके हम 3 सेट लगाएंगे 12 रेपिटेशन के. तो देखिए कैसे परफॉर्म करना है इसे. गाइज, यहाँ रिस्क को ऐसे भी रख सकते हैं और कर्ल भी कर सकते हैं. मैं रिस्क को ऐसे रख के लगाने लगा हूँ. तो आप देखिए कैसे सेट परफॉर्म करना है. चेस्ट अप, हेड स्ट्रेट, तो गाइस अब हम बाइसेप के बाद जो ट्राइसेप की सेकंड एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं वो है ट्राइसेप एक्सटेंशन. अब ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे देखिए. चेस्ट अप, हेड स्ट्रेट. अब फोकस करना है आपके एल्बो लॉक रहे. इसके भी हम 3 सेट 12 रेपिटेशन लगाएंगे. सो गाइस, अब बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो है हैमर कर्ल. हैमर कर्ल देखिए कैसे परफॉर्म करने. इसके हमने लगाने हैं 3 सेट 12 रेपिटेशन. अब हमने अपने आउटर बाइसेप पे फोकस करना है. चेस्ट अप, हेड स्ट्रेट. इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन कम लगेगी बट ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है. तो अब हम ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और वो है वन आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन. सो ये अब हम कैसे परफॉर्म करेंगे. पहले अपने आप को आगे को झुका के कोशिश करके एल्बो को थोड़ा अप रखें सो दैट आपके ट्राइसेप के लॉन्ग हेड पे फोकस हो सके. अब देखिए इसके भी हम 3 सेट 12 रेपिटेशन करेंगे सिंगल आर्म. तो गाइस हम बाइसेप की जो लास्ट एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं वो कैसे लगाएंगे देखिए. डंबल को लेना है, अपनी बैक में आर्क क्रिएट कर लेंगे. ना आपकी बैक ऐसी मिल जाएगी ना बस ऐसे के आर्क क्रिएट कर लेंगे कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे. तो देखिए कैसे लगाएंगे हम ये कर्ल. जब हम ऊपर आएंगे फोकस करना है इसे हम कर्ल करें मतलब अंदर को घुमाए रिस्ट को अपनी. ठीक है, सो गाइस जो ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ. इसके हमने 3 सेट 12 रेपिटेशन लगाने हैं और इसका मैं एक ऑल्टरनेट भी बताता हूँ अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म हो रही. बेसिकली ये एक्सरसाइज ट्राइसेप की विड्थ के लिए है. कोशिश करिए अपनी एल्बो स्ट्रेट अपने इसके पास रखें और आपके आर्म स्ट्रेट जाए ऊपर सो दैट ट्राइसेप का रेंज ऑफ मोशन हमारा पूरा हो सके. तो गाइस ये ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है जो ऑल्टरनेट मैंने बताई थी. ये इसीलिए है क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक परफॉर्म करने में थोड़ी डिफिकल्ट है. तो ये ट्राइसेप की है. बेसिकली विड्थ पे हम ध्यान देंगे. ट्राइसेप डिप्स 3 सेट. तो देखिए कैसे परफॉर्म करनी है. ये अपने हाथ को बाहर वाली साइड रख के हाथ क्लोज रखने हैं क्योंकि हम ट्राइसेप पे फोकस कर रहे हैं. तो देखिए तो गाइस बोनस टिप ये है कि अगर आपकी फॉर्म नहीं ठीक होगी तो वेट कुछ नहीं कर सकता. हैवी वेट के चक्कर में मत जाइए. अपनी फॉर्म ठीक रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट अच्छी रखिए क्योंकि गाइस हम जब जिम में जाते हैं अपनी मसल को ब्रेक डाउन करते हैं. अब उसे फुलफिल हमारी डाइट ने करना है. अगर आपकी डाइट नहीं अच्छी वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं. सो प्लीज़ अपनी डाइट अच्छी रखिए, वर्कआउट कीजिए तो आपके मसल बिल्ड हो सकें और आप
जी सके। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।